मैनपुरी में उपचुनाव होने जा रहा है और अब इस उपचुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। कल जो दिल्ली से तस्वीर सामने आई वो अपने आप में कुछ और सवाल उठा रही है, क्योंकि कल रामगोपाल यादव दिल्ली पहुंचे और उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की है, यानी अब मामला चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है। एक रिपोर्ट इसी को लेकर आपको दिखा देते हैं। यूपी में 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, 1 लोकसभा 2 विधानसभा सीटों पर इलेक्शन है। वोटिंग 5 दिसंबर को है और नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी नतीजों से पहले ही माहौल देखकर माहौल बनाने लगी है। सपा ने एडमिनिस्ट्रेशन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इसे लेकर चुनाव आयोग से शिकायत तक कर डाली है। ये वहां पुलिस गड़बड़ी कर रही है, जिला प्रशासन गड़बड़ी कर रहा है, असली मतदाताओं के बड़े पैमाने पर वोट काट दिए गए हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है ताकि एजेंट बनने न पाए, सीडीओ मैनपुरी प्रधानों और कोटेदारों को बुलाकर कह रहे हैं कि अगर आपकी पोलिंग पे न जीती बीजेपी तो प्रधान नहीं रहोगे, जेल भेज दिए जाओगे, कोटा निरस्त कर दिया जाएगा, ये सारी चीजें चल रही। रामगोपाल यादव के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो वही जानते होंगे, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब सपा ने ऐसा आरोप स्थानीय प्रशासन पर मढ़ा है। 27 नवंबर को सपा प्रतिनिधि मंडल आयोग से मिला, राज्य निर्वाचन आयोग से सपा ने शिकायत की, अफसरों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया, बीजेपी के समर्थन में वोट डालने का दबाव बनाने का आरोप लगाया, मैनपुरी में डीएम एसएसपी पर भी सपा ने गंभीर आरोप लगाए। सपा ने राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत की थी कि डीएम एसपी जिला पंचायत सदस्यों, ग्राम प्रधानों, ग्राम पंचायत सदस्यों और बीडीसी सदस्यों पर अनुचित दबाव बना रहे हैं। बुधवार को रामगोपाल यादव ने दिल्ली जाकर जहां मोर्चा खोला, वहीं रामपुर में भी अफसरों और नौकरशाहों को लेकर आजम खान यही शिकायत कर चुके हैं। आज ही तकरीबन 50 घरों के दरवाजे तोड़े हैं, सड़कों से बेगुनाहों को उठाकर ले गए हैं और जिस भाषा का इस्तेमाल किया है उसमें हमारी पत्नी और इस शहर की पूर्व सांसद और पूर्व विधायक को भी उन्होंने नहीं बख्शा है। और ये वार्निंग भी है कि अपने घरों में रहो, और हमारी पत्नी को भी वार्निंग दी है कि निकलना मत बाहर। यूपी में जिन 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से महज 1 यानी खतौली सीट बीजेपी के पास थी, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से जोर शोर से प्रचार प्रसार और अभियान को चला रही है, पार्टी को उम्मीद है कि 3 सीटों पर जीत उसी की होगी। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी ऐसा आरोप लगा रही है। चुनाव से पहले अधिकारियों पर आरोप और चुनाव के बाद ईवीएम से शिकायत सपा की ये पुरानी रवायत बन चुकी है।